हेलो एवरीवन, इन्फॉर्मेशन दुनिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये हमारी पावर सिस्टम की सीरीज है। तो ऑलरेडी मैंने दो टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ, जिससे मैं हमने बात की थी कैलकुलेशन ऑफ असिमेट्रिकल फॉल्ट, और इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में, जिसमें क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है फॉल्ट के अंदर, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इसी असिमेट्रिकल फॉल्ट के एक कंडीशन को, जिसमें होता है कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अगर हमारा एक लाइन कट होके या कभी कुछ होके ग्राउंड से वो टच हो जाए, फॉर एग्जांपल हमारा एक डायग्राम है, ये मेरा एक 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 फेस ये रहा, दूसरा फेस ये रहा, तीसरा फेस भी मान सकते हो कि एग्जांपल के आर वाई बी हमारे तीन फेस है, जिसके अंदर एक फेस में कोई डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट मतलब कि वो कट होके या वो ग्राउंड हो गया किसी तरह के। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले या इस डेरिवेशन को करने से पहले हम कुछ एजम्पशन ले लेना है कि फॉर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए द जनरेटेड ईएमएफ इज पॉजिटिव फेस। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम हमेशा पॉजिटिव फेस को लेके चलेंगे, जो और हम नेग्लेक्ट कर देंगे नेगेटिव फेस और जीरो फेस को, सीक्वेंस को। और नो करंट फ्लो वेयर इज नो फॉल्ट। अगर किसी भी फेस में कोई, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल्ट है, ग्राउंड से टच हो गया, और अदर जो दो फेस थे उनमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसके अंदर हम करंट को जीरो वैल्यू मान के चलेंगे। द इम्पीडेंस ऑफ फॉल्ट इज जीरो। ओके, जो हमारा फॉल्ट है वहाँ पे इम्पीडेंस हमारा जीरो के इक्वल होगा। EMF पर फेस आर डिनोटेड बाय EA, EB, EC एंड द टर्मिनल फेस डिफरेंस पर फेस VA, VB, VC। जो हमारा हर फेस के अंदर जो हमारे EMF होगा EA, EB, EC, और इसके अंदर जो द टर्मिनल फेस डिफरेंस जो होगा हमारे VA, VB और VC, हर दोनों हर फेस के बीच में जो है हमारा जो हमारा फेस डिफरेंस है। तो शुरुआत करते हैं, कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर थ्री फेस सिस्टम विद अ अर्थ न्यूट्रल। वी ए इक्वल टू में जीरो एंड आई बी इक्वल टू आई सी इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा आई बी और आई सी करंट, मतलब कि दो जो जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है उसे हम जीरो मान के चलेंगे, उसमें दोनों फेसों के करंट में जीरो। तो आगे बात करते हैं, द सिक्वेंस करंट इन फेस करंट इन टर्म ऑफ लाइन करंट शैल बी। तो हर कहने की बात यह कि जो भी हमारा करंट है उसके तीन कंडीशन लेते हैं, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस। मैंने पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो वो वीडियो आप देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आई ए नॉट जीरो सीक्वेंस वन बाई थ्री आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल टू में वन बाई थ्री। मैंने क्या कहा था कि जो बाकी के जो दो फेस है जिसके अंदर फॉल्ट नहीं है उसे मैं इक्वल टू जीरो मानना, आई बी इक्वल टू आई सी इक्वल टू में जीरो। तो डैट मीन्स वन बाई थ्री आई ए प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू वन बाई थ्री आई ए। तो आई फिर हम क्या पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करें, आई ए जो भी है या आई बी, ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप देख लेना, मेरे पहले मैंने वीडियो में थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो पहले ड्राइव किया था आई आर नॉट एक फेस, इसके अंदर मैंने फेस ले लिया ए बी सी, और पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था आर वाई बी, तो आर के अंदर आई आर नॉट मतलब कि जियो सीक्वेंस के अंदर आर वाई बी, सिमिलरली ऐसे और पॉजिटिव सीक्वेंस के अंदर आई आर ए आई वाई, बिल्कुल ये डिटो बिल्कुल सेम है। तो ये सारी की सारी जो आई ए नॉट आई ए वन आई ए टू इक्वल टू में वन बाई थ्री आई ए वन बाई थ्री आई ए वन बाई थ्री आई ए। तो हम पहले बता रहे नोट कि ओनली कंसीडर फॉल्ट फेस करंट, जिसमें फॉल्ट है उसी को हमें कंसीडर करना है। मतलब कि हमें आई और उससे पहले एक्सेप्शन में लिया था, हमें क्या कंसीडर करना है, दो चीज़, एक तो जिसमें फॉल्ट है और हमें पॉजिटिव सीक्वेंस लेकर चलना है, इसी का तीन है आई ए नॉट आई वन आई ए वन आई ए टू, मतलब जीरो सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस। तो हमें क्या कंसीडर लेके चलना है, हमें ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस को। तो आई ए नॉट इक्वल टू आई ए वन इक्वल टू आई ए टू इज इक्वल टू में वन बाई थ्री आई ए।
तो हमने ये बात की थी, तो एक इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, आई ए नॉट, ये सारी वैल्यू इनके कोफिशियन 1 1 1, 1 a a स्क्वायर, 1 a स्क्वायर a, और ये आई ए आई बी और आई सी। सो हमने पहली बात की थी कि वी ए इक्वल टू में 0, जो हमारा जो इसके अंदर जो वोल्टेज होगा वो 0 के इक्वल होगा जिसके अंदर फॉल्ट है, और बिकॉज अगर फॉल्ट है तो मतलब वोल्टेज में 0 हो जाएगा। और एक ये मैंने एक इक्वेशन मैंने पहले शो किया था करंट के लिए, उसी की तरह सिमिलरली आई वी ए 1 प्लस वी ए 2 प्लस वी ए नॉट पॉजिटिव नेगेटिव और ये 0 सिक्वेंस इक्वल टू में 0। तो अब आते हैं कि मेन कैलकुलेशन के ऊपर, द सिक्वेंस वोल्टेज एट द फॉल्ट फॉर अ फेस वी ए 1 इक्वल टू में ई ए माइनस आई ए जेड 1, मतलब जो हमारा वोल्टेज होगा ई एफ ई एम एफ माइनस हमारा वोल्टेज वी रिजल्ट में आई आर। तो ये आर हमने इसके अंदर, हम आपको पता है कि हम जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन है उसमें इम्पिडेंस लेके चलते हैं, आई आर की जगह जेड। तो मैंने ओनली कंसिडर पॉजिटिव सीक्वेंस, जो हमने क्या मैंने क्या बताया था कि जो बाकी जो बचे होंगे जिनमें फॉल्ट नहीं उसे हम 0 लेके चलेंगे, तो 0 0 ये रहा मैं पॉजिटिव ई ए माइनस आई ए 1 जेड 1, वी ए 2 0 माइनस आई ए 2 जेड 2, वी ए नॉट इक्वल टू में 0 माइनस आई ए 0 जेड 0। तो हमारी ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन निकली है, इन सभी इक्वेशन को इस इक्वेशन के अंदर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो जैसे हम पुट करेंगे तो हमारा जेड 1 प्लस जेड 2 प्लस जेड 3 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो आई ए 1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, आई ए 1 क्या है हमारा पॉजिटिव, जो मैं स्टार्टिंग से आपको कह रहा हूँ कि पॉजिटिव सीक्वेंस पे हमें ध्यान लेके चलना है। ई आई ए 1 इक्वल टू में ई ए जेड 1 प्लस जेड 2 प्लस जेड 3। हम जानते हैं कि वी नो डैट आई ए 1 इक्वल टू में आई ए नॉट इक्वल टू में आई ए 2 इक्वल टू में 1/3 आई ए, जो मैंने पहले आपको ये इक्वेशन निकाल के दिखा चुका हूँ। क्या मैंने कहा था, जिसके अंदर फॉल्ट है उसे कंसीडर करना है, तो मैंने उस आई ए 1 मैंने कंसीडर कर लिया। क्या मैं कंसीडर करूँ, ओनली पॉजिटिव फेस ले लिया, 3 IA 1 इक्वल टू आई ए। तो आई ए वन की मैंने ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर चुका हूँ, आई ए 1 की ऑलरेडी मैंने वैल्यू फाइंड कर चुका हूँ, जो अभी मैंने बताया था। आई ए 1 की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देनी है, जो हमारी सिक्स्थ है पुट, जो सिक्स्थ इक्वेशन को हमें सेवन्थ इक्वेशन पुट कर देना है। तो आई ए 1 की जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू आ जाएगी, आई ए इक्वल टू में ई ई ए बाय में जेड 1 प्लस जेड 2 प्लस जेड 3 इंटू में 3। ये हमारा एक सर्किट जेड 3, ये हमारी इक्वेशन आ गई है हमारी पॉजिटिव सीक्वेंस की, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इफ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इससे और भी मैं इसकी आगे की वीडियो में डालने वाला हूँ, जिसके अंदर हम सर्किट ब्रेकर्स की बारे में बात करेंगे, और इसके नोट्स जल्दी हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।